और ये जो हेपेटाइटिस आता है ना, वो किस ये फैमिली के अंदर आता है? तो हिपा डीएनए वायरस के अंदर आता है, ठीक है। इसके करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ये इसका डायमीटर कितना होता है, तो 42 नैनोमीटर होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, 3.2 केबीपी होता है, और विवरियोन में निगेटिव डीएनए होता है, ठीक है। और पॉजिटिव डीएनए क्या होता है, पार्शियली कंप्लीट होता है, पूरी तरह नहीं होता है। प्रोटीन कौन कौन सा होता है, तो एक तो HBsAg होता है, और एक क्या होता है, HBcAg होता है। दो तरह का प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। एनवेलप में कौन सा प्रोटीन होता है, तो SBsAg होता है, ठीक है। और लिपिड होते हैं, ये सब याद रखिएगा। अब इसके मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, फैमिली इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप ऑफ एंड मेनी टाइप दैट इन्फेक्ट ह्यूमन एंड लोअर एनिमल। कौन कौन सा है वो, लोअर एनिमल में उदचक, स्क्वायरल और डक। सो कॉज एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस, दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस। और कभी कभार ये क्या कर देता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। इसका रिजर्वायर कौन है, तो इसका रिजर्वायर है ह्यूमन, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस ए वायरस का रिजर्वायर कौन है, ह्यूमन है, ठीक है। अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो इन्फेक्टेड फीसेस से होता है, ठीक है। या आप ऐसा खाना खाइए जिसमें हेपेटाइटिस ए के वायरस हो, ठीक है। तो दो तरह से होता है, इन्फेक्टेड फीसेस से और हेपेटाइटिस ए वायरस कंटामिनेटेड फूड से, ठीक है। अब ये कैसे क्या करता है, तो 1 to 2 week बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, मतलब इसके सिम्टम दिखने से पहले, 1-2 week पहले ही ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और उसके बाद क्या करता है, अंटिल अबाउट 7 days आफ्टर द पेशेंट बिकम जॉन्डिस, मतलब अगर आपको हेपेटाइटिस ए आज हुआ है, तो 1-2 week के बाद क्या होगी, उसके सिम्टम स्टार्ट होंगे, और 7 days के बाद क्या होगा, आपको जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। और जो ये हेपेटाइटिस ए है, उसको कहते हैं फिकर ओरल कंटामिनेशन, ठीक है। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो ओरल और सेक्सुअल एक्टिविटी से भी होता है, या सेल्फिश फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 18 to 45 days। इंक्यूबेशन पीरियड याद करना हर वायरस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ही पता चलता है कि वो कितने दिन में वो अपना सिम्टम शो कर सकता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 18 to 45 days। और ये इम्यूनोग्लोबिन कब करता है, विद इन 2 week ऑफ एक्सपोजर। अभी बोला ना कि कितना कब करेगा, 1 से 2 week के बाद क्या करेगा, सिम्टम का ऑनसेट स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस ए और इन्फेक्शियस जॉन्डिस, क्यों, क्योंकि 7 days के बाद क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है। इज कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस, ए पिकोरना वायरस ट्रांसमिटेड बाय फिकर ओरल रूट। ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, इसका नाम क्या है, पिकोरना वायरस। सब हेपेटाइटिस ए का अलग नाम होता है, बी का अलग नाम होता है, सब पढ़ेंगे। तो क्या होता है, हेपेटाइटिस ए को क्या कहते हैं, पिकोरना। पहले में क्या करते हैं, किसी चीज़ को पिक करते हैं, तो उसे याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए का क्या नाम है, पिकोरना नाम है, ठीक है। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, फिकर ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, या हेपेटाइटिस ए वायरस को इंजेक्ट करने से होता है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, इट इज को, और इसके कारण सिर्फ एक्यूट होता है, क्रोनिक नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए सिर्फ एक्यूट होता है, क्रोनिक नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, साइन एंड सिम्टम मोस्ट आर एनेक्टेरिक विदाउट जॉन्डिस एंड एसिप्टोमेटिक। क्या कह रहा है कि मेनली तो जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, वो जॉन्डिस के बिना ही आता है, और उसके सिम्टम नहीं दिखते, बट फ्लू लाइक UTI होता है विथ लो ग्रेड फीवर, मीन्स कफ कोल्ड होते हैं और फीवर हल्का सा आता है। एनोरेक्सिया मतलब आपको क्या होगी, भूख कम लगेगी। इनडाइजेशन आपका खाना नहीं पचेगा,
नौसिया वोमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी। और क्या होगा, एवर्जन टू सिगरेट स्मोक एंड अदर स्ट्रॉन्ग एडोर मे और मे नॉट बी जॉन्डिस। ये तो स्टार्टिंग में लिखा था, मतलब कि आपको जॉन्डिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कफ के साथ हल्का फीवर आएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पेट भरा भरा सा लगेगा। ये सब किसके सिम्टम है, तो हेपेटाइटिस ए के सिम्टम है। ठीक है, चलिए आते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को क्या कहा जाता है, सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस ए को क्या कहा जाता था, जॉन्डिस हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी को क्या कहा जाता है, सीरम हेपेटाइटिस, याद रखिएगा। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, तो 30 to 180 days है। क्या है, या कितने हैं, 30 to 180 days। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है हेपेटाइटिस बी का, तो 30 to 180 days। आप टेंशन मत लीजिए, इसका समरी भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहा है, सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस क्या होता है, तो इसके इलनेस सीवियर फॉर्म से क्या होता है। जैसा मैंने बताया, हेपेटाइटिस ए में सिर्फ एक्यूट होता है, क्रोनिक नहीं होता, लेकिन हेपेटाइटिस बी एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। और इसके कारण क्या होता है, चिरहोसिस हो जाता है, मतलब लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या होता है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस होता है। और ये भी क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, कैरियर स्टेज होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का फिर से एक बार क्या करते हैं, समरी करते हैं। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए को जॉन्डिस हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्गर होता है, 30 to 180 days। और इसके सीवियर हो जाने से क्या होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। कभी कभार इसके कारण हेपेटो सिल्वर कार्सिनोमा भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ये चिरहोसिस हो गया और ये हेपेटो सिल्वर कार्सिनोमा भी चिरहोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर में आप देख रहे हैं। अब क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, सारा हेपेटाइटिस क्या होता है, आरएनए होता है, एक्सेप्ट बी जो डीएनए वायरस होता है। इसके दो तीन फॉर्म ऑफ वायरल पार्टिकल ऑफ टू साइज, ये जो टू साइज के होते हैं, एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा। जो स्मॉल होगा वो मोस्ट न्यूमरस होगा और टू फॉर्म में रहेगा, स्फेयर फॉर्म में और ट्यूबुल्स के फॉर्म में। इट फॉर्म एनवेलप प्रोटीन ऑफ, ये क्या फॉर्म करता है, एनवेलप प्रोटीन फॉर्म करता है। जो लार्ज होता है वो डबल सेल्ड होता है और इसको डेनी पार्टिकल भी कहा जाता है। ये क्या करता है, वायरस को इंटैक्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एच बी हेपेटाइटिस बी वायरस का जो डीएनए होता है उसमें 4 ओवरलैपिंग जीन होते हैं जो कोड करते हैं। कौन कौन सा, एस जीन, पी जीन, सी जीन और एक्स जीन। एस जीन को क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस बी एस ए जी, मतलब वहाँ पे जो पढ़े थे कि दो होता है, एच बी एस ए जी और एस बी सी ए जी, तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पे बता रहा है क्या है, एस बी हेपेटाइटिस बी एस फॉर सरफेस एंटीजेन। पी को जीन को कहा जाता है डीएनए पॉलीमरेज। सी जीन को कहा जाता है हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस बी। सी को क्या कहेंगे, सी एंटीजेन, समझ में आ गया। और एक्स रहेगा तो हेपेटाइटिस बी एक्स एंटीजेन, जो मेनली क्या होता है, नॉन पार्टिकुलर प्रोटीन होता है। और जो सी जीन होता है वो क्या होता है, कोर प्रोटीन होता है। और जो एस हो गया वो सरफेस प्रोटीन हो गया, मतलब इसका फुल फॉर्म बताया है, एस फॉर सरफेस, सी फॉर कोर प्रोटीन। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एस क्या है, सरफेस पे है, सी क्या है, कोर में है, पी है जो डीएनए पॉलीमरेज है, और ये जो ई है, ई क्या पढ़ा था हमने, तो ई भी पढ़ा था क्या है,
ये सी जीन में ही आता है। तो देखिए यहाँ पर ई जीन है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो पेरेंटली सच एज रिसिपिएंट ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा होता है। ये इंट्राविनस भी हो सकता है, रीनल डायलिसिस के द्वारा भी होता है, ठीक है। हॉस्पिटल वर्कर एक्सपोज टू ब्लड मेनली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड भी होता है, और सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण भी होता है। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है? तो क्या होगा, आफ्टर एक्सपोजर टू द वायरस ये क्या करेगा, एक बार वायरस का एक्सपोजर हो गया तो ये इन्फेक्ट करेगा हेपेटोसाइट को, और क्या करेगा, हेपेटोसाइट को ये इन्फेक्ट करेगा। लेकिन तब तक क्या रहेगा, ये एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, लॉन्गर होता है, 30 to 180 डेज होता है। बीच में भी फॉलोड बाई एक्यूट डिजीज जो लास्टिंग होता है वीक टू मंथ, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस बी है दोनों हैं, एक्यूट भी और क्रोनिक भी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेरम मार्कर भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब जैसे पढ़े हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये क्या कर रहा है, ये अपीयर बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, पीक ड्यूरिंग ओवर द डिजीज एंड देन डिक्लाइन टू अनडिटेक्टेबल लेवल इन 3 to 6 month। क्या कह रहा है कि ये जो सरफेस एंटीजन है ये ऑनसेट के समय अपीयर होता है और ये क्या होता है, पीक पे जाता है, लेकिन 3 से 6 month के बाद ये क्या हो जाता है, कम होने लगता है। अब एंटीजन HBS मतलब एक्यूट डिजीज इज ओवर, अब ये क्या हो गया, इसका मतलब कि एक्यूट डिजीज ओवर हो गया, और क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, मे परसिस्ट फॉर लाइफ एंड कन्फेरिंग प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन कर रहा है। अब क्या है, ABE AG हेपेटाइटिस बी DNA एंड DNA पॉलीमरेज, ये क्या होता है, अपीयर होता है सीरम में आफ्टर द SBS मतलब सरफेस एंटीजन के बाद, ये सब होता है जो एक्टिव करता है वायरल रेप्लिकेशन को। अगर ये HBE AG हमेशा क्या परसिस्टेंट रहा तो क्या हो जाएगा, वो वायरल रेप्लिकेशन को कंटिन्यू रखेगा, और जिसके कारण क्या होगा, क्रोनिक हेपेटाइटिस होगा, ठीक है। साइन एंड सिम्टम, तो इसमें क्या होता है, वीकनेस आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, डिस्पेप्सिया होती हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, मलेस होता है, वीकनेस होता है, जॉन्डिस होता है, और क्या होता है उसमें क्या है, हेपेटाइटिस में जॉन्डिस हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, बट इसमें डेफिनेटली जॉन्डिस होगा। जो स्टूल होगा वो लाइट कलर का होगा और यूरिन डार्क कलर का होगा, और हेपेटो में गैली होता है, और इसमें क्या होता है, सर्विकल लिम्फ नोड क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में कैसे करेंगे, दो तरह से करेंगे, एक तो सेरोलॉजी के द्वारा, कि एंटीजन एंड देयर एंटीबॉडी आर इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, और वायरल लोड के द्वारा कैसे, PCR देखेंगे ब्लड में, ठीक है। तो चलिए आते हैं, पहले देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्या कह रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड के समय सरफेस एंटीजन IgM प्रेजेंट होता है, लेकिन IgG और anti-SBS एब्सेंट होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इंक्यूबेशन पीरियड के समय क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड के समय सरफेस एंटीजन और एंटीबॉडी M प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी G और anti-SBS एब्सेंट रहता है। अब आ गया एक्यूट हेपेटाइटिस, जो अर्ली होगा तो उसमें क्या होगा कि सरफेस एंटीजन और IgM प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या होगा, IgG और anti-SBS एब्सेंट होगा। लेकिन एक बार जब वो स्टेब्लिश्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, तीनों प्रेजेंट होगा, मतलब सरफेस एंटीजन IgM और IgG तीनों प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या होगा, anti-SBS एब्सेंट होगा। लेकिन पूरी क्या हो गया, जब क्या हो जाएगा, स्टेब्लिश होगा लेकिन ओकेजनली होगा, तो IgM और IgG प्रेजेंट होगा लेकिन सरफेस एंटीजन एब्सेंट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 3 से 6 month के बाद क्या होगा,
तो 3 से 6 मंथ के बाद क्या होगा, सरफेस एंटीजन क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, और एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी जी और एंटीएसवीएस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब पोस्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, तो फर्स्ट इन्फेक्शन में आई जो पहले प्रजेंट होगा वो एब्सेंट हो जाएगा, और जो एब्सेंट है वो प्रजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप क्या है इम्यूनाइजेशन हो गया बिना इन्फेक्शन के तो क्या होगा, तो सरफेस एंटीजन सेकेंड में क्या था, एम एंटीबॉडी एम और एंटीबॉडी जी एब्सेंट हो जाएगा, तो क्या प्रेजेंट होगा, तो एंटी एंटी क्या प्रेजेंट होगा, तो एंटी एसवीएस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं मैनेजमेंट में। तो हेपेटाइटिस बी कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक्यूट और क्रोनिक। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि क्या करना है। तो सपोर्टिव विथ मॉनिटरिंग फॉर एक्यूट लीवर फेलियर, मतलब एक्यूट लीवर फेलियर को क्या करेंगे, पहले सपोर्ट करेंगे मॉनिटरिंग करके। नो डिफिनिट एविडेंस दैट एंटीवायरल थेरापी रिड्यूसेस द सीवियरिटी, मतलब अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि एंटीवायरल थेरापी से हम सीवियरिटी या ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फुल रिकवरी ऑकर होता है 90 to 95% ड्यूरिंग एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस, रिमेनिंग 5 to 10% क्या होते हैं वो डेवलप्ड हो पाते हैं क्रोनिक में। ठीक है, अब क्रोनिक हो गया तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लो वायरल लोड हुआ है तो इंटरफेरॉन्स अल्फा देते हैं, लेकिन अगर वो लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करना है तो क्या देते हैं, लेमिबुदिन देते हैं, और लीवर फेलियर को कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो एडिफोविल देते हैं। ठीक है, ये ड्रग से आप याद रखिएगा कौन सा, इंटरफेरॉन्स अल्फा वायरल लोड को कम करता है, लेमिबुदिन लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और रिनल फेलियर को जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है वो एडिफोविर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वैक्सीनेशन से भी हम इसे ठीक कर सकते हैं। बाकी तो ऐसे ये क्या बताया है, प्रिवेंशन बताया है कि आप हाथ धो हैंड वॉश करके खाना खाइए, सेक्स पार्टनर के साथ सही से कीजिए, मतलब कंडोम का यूज कीजिए, डायरेक्ट कांटेक्ट अब नहीं आइए, ब्लड और एनी बॉडीली फ्यूरिड का आप ये आपका अगर हो गया तो उसको कवर कीजिए, लेजर ये सब का यूज सही से कीजिए, ब्लड को डोनेट करने के पहले आप जांच करवा लीजिए। ठीक है, ये सब हो गया प्रिवेंशन। अब आ गया हेपेटाइटिस सी, अगले वीडियो में हम हेपेटाइटिस सी लेके आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ही बार में सारे टॉपिक को हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐसे रिवाइज करेंगे और फिर सी डी ई चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरे ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए।